बढ़ते आगे, जहां देवास में पुलिस पर हमले का वायरल वीडियो मामले में एसपी ने संज्ञान लिया। एसपी ने मामले को लेकर जांच का आदेश दिया है। वहीं आरोपी दिनेश हाड़ा की पत्नी ने एसपी दफ्तर को मामले से जुड़ी सीसीटीवी की फुटेज सौंपी है। साथ ही पुलिसकर्मी पर पत्नी और बेटियों से छेड़छाड़, गाली गलौज का साथ जान से मारने की धमकी का आरोप भी लगाया है। साथ ही पुलिसकर्मी पर 2 लाख रुपए मांगने का आरोप भी लगाया है। वहीं मीडिया के जरिए पत्नी ने सीएम से न्याय दिलाने की मांग की है। आपको बता दें कि नेवरी चौकी प्रभारी ने आरोपी की धरपकड़ के लिए दबिश दी थी। वहीं कार्रवाई के दौरान पुलिस पर डंडे से हमला करने का आरोप है। वहीं चौकी प्रभारी मीणा पर भी बंदूक तानने का आरोप है। ये वीडियो जो है हमारे यहाँ एक थाना हाटपिपरिया की चौकी है नैपरी, वहाँ संबंधित है और जो चौकी प्रभारी थे वो वहाँ गए थे और जो ये बताया गया, अभी एक महिला ने आवेदन दिया है कि उनने जो है कुछ दुर्व्यवहार किया पुलिस ने। पुलिस उसकी जो भी आवेदन उन्होंने दिया उसकी जाँच करेंगे और उसके खिलाफ जो है ऑलरेडी अपराध रजिस्टर्ड है और पूर्व का भी उसका ऐतिहासिक गलत है, तो वो जाँच की जाएगी।